मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जाना। ईमानदारी के साथ कॉर्पोरेट कवर किया, बैंकिंग कवर किया, फाइनेंस कवर किया, इंश्योरेंस कवर किया। आज तक एक चवन्नी का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है सर, आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। 15 साल मैंने यही किया है, यही तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। बाप को मरे मेरे 10-12 साल हो गए, घर का अकेला लड़का हूं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, बच्चा है, कहां से पालूंगा? इस सवाल को पिछले 3 महीने से रोज पूछ रहा हूं अपने आप से, रोज पूछता हूं अपनी बीवी से कि इस बच्चे को क्या खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है ये करने के बाद में होगा क्या। FIR दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है। इंची का नशा ही 5-6 इंच का है, सीना है, सीना कान के मुझे 1.5 महीना लगा सोचने में, 1.5 महीना क्या करूं, बच्चा कैसे पालूंगा अपना, 4 साल का है। लेकिन रास्ते में दूसरा भी ख्याल आया कि जब ये 20 साल का होगा और पूछेगा कि जब अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी तो बापू तू कहां खड़ा था, मैं कहूंगा सीने ठोक के मैं किसान के साथ खड़ा था। भूखा मर सकता हूँ, भूखा मर सकता हूँ, हो सकता है मेरे बच्चे का कोई स्कूल में डर की वजह से एडमिशन भी न ले, हो सकता है मेरे परिवार का भी अभी चरित्र हनन होगा। फेसबुक पे जो ये इनकी सोशल मीडिया आर्मी बैठी हुई है ना, अभी वो मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरी बीवी का भी करेंगे, हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहें। लेकिन खड़ा हूँ और सीना ठोक के खड़ा हूँ, जो करना है कर लो, जो करना है कर लो। सच बोलना देशद्रोह है तो मैं देशद्रोही हूँ, मुझे जेल में डालो। गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया, टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया, फलाने पे क्यों नहीं गया, ढिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल कवर करने के लिए भेजा था और ये रद्दी मैंने फूंक ली।
मारता हूँ और ये भी मालूम है कि भूखा मरूंगा, वो दिन भी आ सकता है। लेकिन उसका भी विकल्प मैंने सोचा कि भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे, अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये धोनी है धोनी फैला के गांव गांव घूमेंगे। ठीक है, जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत स्वागत है और बहुत सम्मान के साथ इस पार्टी में उनका आभार है और बहुत स्वागत है सभी भाइयों का। और आज इस मीटिंग में जो जिसके लिए हम और आप लोग 10 दिन से जी जान से मेहनत कर रहे हैं गांव जाकर, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और खासतौर से कठोर सहाय भारत के राज्य में जो मिल रहे उनका रास्ता क्षेत्र के लिए।